उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगीय संस्कृत सुधा समिति के तत्वावधान में विभिन्न संस्कृत अनुष्ठान का आयोजन किया गया। देर शाम तक चले कार्यक्रम में वक्ताओं ने मातृभाषा बोले जाने का जोर दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा बांग्ला संगीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सभी ने कहा कि सभी भाषाओं में बांग्ला छठे स्थान पर है। हमें अपनी भाषा को जब परिवार के संग होंगे तो आपस में बोलचाल होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी भाषा की पढ़ाई सभी को आनी चाहिए, जिस पर सभी वक्ताओं ने अपने बच्चों को मातृभाषा को सीखने पर जोर दिया। सर्वप्रथम हमारे सभी बंगे समाज के लोगों को और बंगे सुधा संस्कृति समिति की तरफ से मैं सभी को, सभी देशवासियों को आज 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा प्रेषित करती हूँ। साथ ही मैं, आपने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति को कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे जो हमारे पश्चिमी संस्कृति है उसको अपनाने का जो क्रेज़ है वो हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही है। तो सभी माओं से और भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश करें और इसका सिर्फ एक ही ये उपाय है कि हम घर से शुरुआत करें। जी, कोशिश तो चालू है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं बंगीय संस्कृति सुधार समिति की ओर से। सभी को आज 21 फरवरी के इस पावन पर्व पर, जो अंतर्जातीय भाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस पर, सभी को हम बंगीय सांस्कृतिक सुधा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, कोशिश सबको करना पड़ेगा, सबको मिलके। मगर हाँ, हम लोग जो समिति की ओर से विगत कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं और बीच में पिछले दिनों मई जून में हम लोगों ने क्लास भी कई जगह कराया बंगला मातृभाषा के। इसमें जैसे मैं मोहनपुर रहा, फिर आपके बसंतीपुर रहा, सुंदरपुर हुआ। तो कोशिश तो देखिए, मातृभाषा को जो प्यार नहीं करता है, जो श्रद्धा नहीं करता है, तो किसी भाषा को वो श्रद्धा नहीं कर सकता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।